नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दशहरे के दिन मोदी सरकार को दिल्ली के करोल बाग व्यापारियों ने दिया रावण का खिताब। ये नज़ारा दिल्ली के करोल बाग का है, जहां 10 दिन पहले इंक्रोचमेंट के नाम पर एमसीडी ने करीब 40 दुकानों को डिमोनेस कर दिया था। दुकानदारों का कहना है कि एमसीडी और केंद्र दोनों में बीजेपी सरकार है। सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने व्यापारियों को राम राज्य के सपने दिखाए थे, लेकिन सरकार के काम तो रावण जैसे हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही नोटबंदी की, फिर जीएसटी, अब व्यापारी सीलिंग। ऐसे दुकानदार अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं, इसका सरकार को कोई इलाज अंदाजा नहीं है। व्यापारी 18-28% जीएसटी की मार पहले से ही झेल रहा है। बावजूद इसके बिना नोटिस दिए एमसीडी अधिकारी ने करोल बाग के दुकानों को दिवाली तक की मोहलत नहीं दी। करीब 40 दुकानों तोड़कर सभी दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया। ऐसा काम करने वाले सरकार को रावण राज्य ही कहा जाएगा। करोल बाग के व्यापारियों ने एक साल पहले ही दशहरे पर रावण के रूप में मोदी सरकार का पुतला फूका था। ऐसे में देखना यह है कि दुकानदारों को 2019 के चुनाव के बाद कोई राहत मिलता है या नहीं। आज दशहरे का दिन, जिस तरह मोदी सरकार ने नारा दिया कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, दशहरे के दिन व्यापारियों का क्या मानना है? क्या राम राज्य की ये शुरुआत है, या जिस तरह व्यापारियों को कभी जीएसटी लगाकर, कभी इंक्रोचमेंट के नाम पे डेमोनेशन कराकर व्यापार को कहीं ना कहीं ठप करने की जो योजना इनकी चल रही है, तो व्यापारी इसको किस नजर से देख रहा है? देखो जी, हमने तो बड़ी उम्मीद से बीजेपी को लग रहा है कि हमने सोचा था कि राम राज्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से व्यापारियों को तंग करा जा रहा है, मेरे को किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि राम राज्य की शुरुआत है। मेरे को तो ये लग रहा है कि रावण को दोबारा जागने की मतलब हो रहा है। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जिस तरह मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया था और कहा गया था कि ये पाप के अंत की शुरुआत है, क्या इस बार भी व्यापारी बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं? ये सब विरोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है व्यापारी। आज से 10 दिन पहले यहाँ पे एमसीडी की रेड करी गई है, जो दुकानें बनी हुई हैं एमसीडी की ऊपर एनक्रोचमेंट के नाम पे डेमोलिशन कर दिया गया है। पिक एंड चूज की मतलब जीएसटी बीच में मोदी सरकार ने लागू की गई, जीएसटी को लेकर किस तरह की व्यापारियों को समस्या आई है? बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, काम नहीं कर पा रहे। सबसे दिक्कत ये हो रही है कि चलो मैं मानता हूँ जीएसटी ठीक है, लेकिन 18-28% इतना तो दुकानदार का भी प्रॉफिट नहीं है जितना हम टैक्स दे देंगे। 28% तो कुछ होता ही नहीं। जैसे कि आज के टाइम में व्यापारी जो है 5-10-15% लास्ट इस पे प्रॉफिट रखता है, अगर 28% टैक्स दे देगा तो चीज ऑटोमेटिक महंगाई हो जाएगी। इंक्रोचमेंट के नाम पे लगभग करोल बाग की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी दुकानों का डेमोनेशन किया गया है? जी यहाँ पे देखो जी, ये फ्रूट मार्केट एसोसिएशन है, 40 दुकानें हैं, 40 की 40 की डेमोनेशन कर दिया है। लेकिन सवाल ये था, हमारे को 10 दिन पहले नोटिस दिया और 10 दिन के अंदर ही हमारी मतलब दुकानों का मतलब ये डेमोलिशन कर दिया। जिनको 6 महीने पहले नोटिस दिया गया था उनकी दुकानें नहीं छेड़ी गई, सिर्फ हमारी दुकानों के साथ क्यों करा? हमसे कुछ पैसों की डिमांड रखी एमसीडी के अंदर। एमसीडी में कौन बैठी है? बीजेपी। अब ये सब भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार कह रही थी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस डेमोलिशन को लेकर आप एमसीडी अधिकारियों से मिले थे? आपकी मिला था उनसे, हमने हाथ पैर जोड़े थे कि हमारे को दिवाली तक का टाइम दे दो। पहला नवरात्रा था, हर कोई दुकानदार कहता है कि चलो पहले नवरात्रे के अंदर पूजा करके आता है, व्रत रखता है कि मैं आज नया काम करूंगा, और पहले नवरात्रे वाले दिन ही पूरी मार्केट तोड़ दी गई। 15 दिन का टाइम नहीं दिया, दिवाली नहीं बनाने दी हमारे को, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ। अभी आज दशहरे का दिन है, तो क्या लगता है आपको कि व्यापारी किस तरह? मेरे हिसाब से जी दशहरे के रूप के अंदर हम मोदी जी का करेंगे दशहरा फूकेंगे। कहा जाता है दशहरा जो है वो एक पाप के अंत का दिन है, व्यापारी इसको अब किस नजर से देखेंगे आज? जी देखो जी, हमारे को तो बड़ी उम्मीद थी कि एक राम राज्य आएगा, अभी हमारे को सिर्फ एक रावण राज्य नजर आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 2019 में क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार दोबारा से आनी चाहिए या नहीं आनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मोदी सरकार अगर आई तो व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है, ऑफलाइन काम को बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, नई नई चीजें दिखा रहे हैं जिससे व्यापारी को अंधा कर रहे हैं, कान मतलब पट्टी बांधी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि ये राम राज्य है या इसको तुलना करेंगे रावण राज्य? बिल्कुल रावण राज्य है ये, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई राम राज्य वाली बात नहीं आ रही। हमारे को एक ऐसा बंदा दिखा दो जो राम की तरह हमारे मदद कर रहा हो। मैंने प्रधानमंत्री की पीएमओ को कंप्लेंट करी कि हमारी सिर्फ हमारी ही मार्केट के साथ क्यों करा? करमपुरा की मार्केट है, शास्त्री मार्केट है, रेडियो मार्केट है, और भी पूरी एमसीडी बनी हुई है, पूरी दिल्ली के अंदर दुकानें बनी हुई है, सिर्फ हमारे साथ क्यों करा? हमारे से कुछ पैसों की डिमांड रखी गई और डिमांड उन्होंने रखी जो एमसीडी में सारे
बीजेपी के बंदे बैठे हुए हैं। एमसीडी बीजेपी की है, भ्रष्ट पूरा हो रखा है। हमने पैसे नहीं दिए तो हमारी दुकानें तोड़ दी। पेश दिल्ली से हमारे संवाददाता इरफान खान की खास रिपोर्ट।